गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास, ये आपका हिंदी का पीरियड है। अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक निकालिए और अपने स्केच पेंस और ब्लैक एंड ब्लू जेल पेंस भी निकालिए। अपनी नोटबुक खोलेंगे सभी और आज की डेट डालेंगे। आज कितनी दिनांक है? 8 मई 2021। और क्या लिखेंगे हम? कक्षा कार्य, क्योंकि ये हमारा क्लास वर्क है। अब पाठ का नाम लिखेंगे स्केच पेन से। पाठ सरस की सोच, पाठ सरस की सोच। तो क्लास, आज हम इस पाठ की क्या करेंगे? सही गलत करेंगे। ओके, स्केच पेन से ही आपको ये प्रश्न उतारना है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सही कथन के सामने टिक व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही कथन के सामने आपको टिक लगाना है और गलत कथन के सामने रॉन्ग करना है। ओके, तो अब हमारा पहला कथन जो है वो है विमल बहुत चंचल व स्वभाव से चिड़चिड़ा था। विमल बहुत चंचल व स्वभाव से चिड़चिड़ा था। अब एक ब्रैकेट बनाना है आपको यहाँ पे। एक लाइन छोड़ के अब दूसरा कथन लिखेंगे। सरस विमल की नकल करता था। सरस विमल की नकल करता था। फिर से क्या बनाएंगे? एक ब्रैकेट बना देंगे। ओके, तीसरा कथन है विमल के
पैर पर प्लास्टर चढ़ चुका था। विमल के पैर पर प्लास्टर चढ़ चुका था। फिर इसके आगे हम क्या बना देंगे, एक ब्रैकेट बना देंगे। एक लाइन छोड़ के अब चौथा कथन लिखेंगे। चौथा कथन है, विमल अपने छोटे कामों से और भी छोटा हो गया था। विमल अपने छोटे कामों से और भी छोटा हो गया था। अब एक ब्रैकेट बना देंगे फिर से। अब पांचवा लिखेंगे कथन। पांचवा कथन है, कक्षा में सहपाठी सरस को शक की नजर से देखते थे। कक्षा में सहपाठी सरस को शक की नजर से देखते थे। और आगे क्या बना देंगे, एक ब्रैकेट। अब हमें इनके आंसर्स फिल करने हैं। ओके क्लास, आंसर्स किस से फिल करेंगे हम, अपने ब्लू पेन से। तो पहला है, विमल बहुत चंचल व स्वभाव से चिड़चिड़ा था। क्या ये कथन सही है? यस, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। विमल बहुत चंचल था और स्वभाव से कैसा था, चिड़चिड़ा भी था। अगला है, सरस विमल की नकल करता था। क्या सरस विमल की नकल करता था? नो, कौन नकल करता था, विमल सरस की नकल करता था, बट यहाँ पे सरस लिखा है इसलिए ये गलत है। अगला है, विमल के पैर पर प्लास्टर चढ़ चुका था। क्या विमल के पैर पर प्लास्टर चढ़ा था? नहीं चढ़ा था, इसलिए इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट, विमल अपने छोटे कामों से और भी छोटा हो गया था। विमल अपने छोटे कामों से और भी छोटा हो गया था, सही है ये, तो इसको टिक लगा देंगे। लास्ट है, कक्षा में सहपाठी सरस को शक की नज़र से देखते थे। कक्षा में सहपाठी सरस को शक की नज़र से देखते थे, यस, ये सही है, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। ओके,
तो क्लास आपको ये काम अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया है। ओके क्लास, और आपको अपना काम 2 बजे से पहले मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।